नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आइडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई क्लास। जी हाँ, नई क्लास, रिक्रूटमेंट नहीं, नई क्लास है ये, जो कि ITI के सभी छात्रों के लिए जो मैकेनिकल ट्रेड के हैं, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो या फिर और अन्य ट्रेड हो। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल ग्रुप के हैं तो ये सभी के लिए एक क्लास है। तो जो कि जैसा कि अभी पेपर आने वाला है मेन मेन टॉपिक्स लेकर, ठीक है। तो आज पहला टॉपिक लेकर आए हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके बाद और भी टॉपिक लेकर आएंगे। अपने पहले टॉपिक की माइक्रोमीटर के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आपको चित्र पर दिख रहा होगा, ये आपका है माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या है? माइक्रोमीटर। अब ये कौन सा माइक्रोमीटर है पूछ लेगा, तो यह है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। देखिए आपके इसके पार्ट्स अभी हम बता देते हैं। देखिए ये है आपका एनविल, ये जो आपको दिख रहा है छोटी सी टिप लगी हुई एनविल है। एनविल स्पिंडल का फेस आगे की तरफ है, ये आपका फेस है, ये आपका स्पिंडल है, ये आपका लॉक नट है। कोई मेजरमेंट जब हम लॉक पर करते हैं, मतलब कि मेजरमेंट नाप ले और सोच नापने के बाद अगर मान लीजिए घसक गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, घस के ना तो लॉक कर देंगे। ये लॉक कर देंगे तो जितना हम मेजरमेंट लिए रहेंगे, नापे रहेंगे या मापे रहेंगे, तो वो उतने भी रुक जाएगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगा। और यह है स्लीव, ये आपका घूमता है, ठीक है, स्लीव है। ये आपका थिम्बल है, ये आपका नर्ल ग्रिप है, जिससे आप लोग पकड़ने में आसानी होगी, मतलब घुमाने में आसानी होगी और पकड़ने में भी, ठीक है। ये आपका रैचेट है, ये रैचेट क्या करता है, आपके जो जिसके बीच में जो गैप रहता है उसको चेक करता है, एरर चेक करता है कि कितना गैप है इसमें, ठीक है, एरर चेक करता है, शुद्धता चेक करता है। ये आपका सी आकार का फ्रेम है, देख लीजिए आप लोगों को सी दिख भी रहा होगा, ये आपका सी आकार का फ्रेम है, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं आपका एक माइक्रोमीटर में, और हर सबसे ज़्यादा माइक्रोमीटर भी आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ और एक वर्नियर, ये चार आपका उपयोग में ज़्यादा आती है, ठीक है। ये आपका होगा माइक्रोमीटर का पार्ट्स। अब चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, माइक्रो, माइक्रो माने सूक्ष्म, और मीटर मतलब माइक्रोमीटर सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है, जिसके द्वारा किसी जॉब की को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तक और इंग्लिश प्रणाली में 0.001 inch या इससे भी अधिक सूक्ष्मता में मापा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, माइक्रो यानी सूक्ष्म या बारीक, और मीटर का अर्थ है मापना, ठीक है। इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने किया था। किसने किया था? जीन पाल्मर ने। अब जैसे पूछ लेगा आपको कि माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो आप आसानी से बता सकते हैं, जीन पाल्मर ने। और कब किया था? तो 1848 ईस्वी में, ठीक है, जीन पाल्मर ने किया था 1848 ईस्वी में। अब इसका नाम जीन पाल्मर माइक्रोमीटर कैलिपर रखा गया था, पहले जीन पाल्मर माइक्रोमीटर कैलिपर रखा गया था, परंतु 1867 में पेरिस से एक सुधरा हुआ यानी मॉडिफाइड हुआ नमूना J.R. ब्राउनी ने दिया, इसका सुधरा हुआ रूप J.R. ब्राउनी ने दिया था, जो कि पेरिस के रहने वाले थे, ठीक है। और एल शार्प नामक व्यक्ति अमेरिका ले गए, एल शार्प नामक व्यक्ति इसे अमेरिका ले गए, ठीक है, तथा इसमें लगातार सुधार करते गए। और जब देखो, मतलब इसमें हर बार सुधार करते गए, जितना उनसे सुधरा वो उतना इसमें सुधार करते गए। अतः 1885 ईस्वी में उन्होंने इसमें और सुधार कर दिया, जो लगभग आज के माइक्रोमीटर से मिलता जुलता था, जो आजकल माइक्रोमीटर बाजारों में मिलता है ठीक उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अर्थात आधुनिक माइक्रोमीटर जो है वो जीन पाल्मर माइक्रोमीटर का ही शुद्ध रूप है, मतलब कि उन्हीं का सुधरा हुआ रूप है, जीन पाल्मर ने जो माइक्रोमीटर दिया था, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, स्क्रू और थ्रेड के पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, ठीक है। किसके, अगर आप पूछ रहे हैं कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बनाया गया है, स्क्रू पिच के सिद्धांत पर, और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नट और बोल्ट के, ठीक है, इस पर कार्य करेगा, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे स्क्रू गेज के नाम से भी पुकारते हैं, मतलब कि इसे स्क्रू गेज भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है
वह उसकी अल्तमक मांग कहलाती है। मतलब कि जितना भी कम से कम माप हम माइक्रोमीटर द्वारा ले सकते हैं उसी को हम लीस्ट काउंट यानी अल्पतम मांग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट अल्पतम मांग कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपको पूछ लेगा कि माइक्रोमीटर का अल्पतम मांग बताइए, वो भी एमएम में। अगर मीट्रिक में पूछेगा तो एमएम में बताना पड़ेगा। एमएम में क्या होता है आपका? 0.01। अब वहीं पूछ लेगा इंग्लिश में कि इंग्लिश में बताइए यानी कि इंच में, तो आपको 0.001 इंच बताना होगा। ठीक है, इंच जरूर बोलिएगा, नहीं तो वो इंच यानी कि इंग्लिश पद्धति में नहीं होगा। अगर मीट्रिक में पूछेगा तो एमएम, इंग्लिश में पूछेगा तो इंच। ठीक है, अलग अलग होती है। प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला मिलीमीटर या मीट्रिक माइक्रोमीटर, दूसरा इंग्लिश या इंच माइक्रोमीटर। ठीक है, ये चलिए। कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं। अगर कार्य के आधार पर देखा जाए तो कई प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं। जिस तरह का कार्य होगा उस तरह का माइक्रोमीटर हम उपयोग करते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर हम तीन प्रकार के माइक्रोमीटर यूज करते हैं, डेप्थ, आउटसाइड, इनसाइड और वर्नियर। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं सभी माइक्रोमीटर के बारे में। पहला है आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, तीसरा वर्नियर, चौथा डेप्थ, पांचवा ट्यूब, छठा डिजिटल माइक्रोमीटर, सातवां फ्लेंज, आठवां स्क्रू और नौवां स्टिक माइक्रोमीटर, दसवां बॉल माइक्रोमीटर और ग्यारहवां की वे डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आगे बताते हैं। बारहवां है हब माइक्रोमीटर, हब। तेरहवां इंटरचेंजेबल एनविल सहित आउटसाइड माइक्रोमीटर। इंटरचेंजेबल एनविल मतलब कि जो माइक्रोमीटर का एनविल होता है उसको चेंज करना, जिसमें चेंज होता है उसको इंटरचेंजेबल एनविल सहित माइक्रोमीटर आउटसाइड करेंगे। ठीक है, चौदहवां है सीट माइक्रोमीटर, पंद्रहवां है वी एनविल माइक्रोमीटर और सोलहवां है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, सत्रह है डिस्क माइक्रोमीटर और अठारह है थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए, बाह्य माइक्रोमीटर जिसके द्वारा हम बाहरी माप ले सकते हैं। नाम से देखिए प्रतीत हो रहा है, नाम से प्रतीत हो रहा है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कि बाहरी साइड जो होता है, जिसका हम बाहरी साइड माप लेते हैं। बाहरी साइड जिसका हम बाहरी साइड माप लेते हैं मतलब कि जब हम इसका माप ऐसे लेते हैं, इस तरीके से माप लेते हैं, तो ये होगा आपका बाहरी साइड। ठीक है, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का नाप लेते हैं, आउटसाइड द्वारा बाहरी माप लेते हैं। वहीं जब कहेगा इनसाइड यानी कि आंतरिक, कहेगा इनसाइड यानी कि आंतरिक माइक्रोमीटर, तो देखिए क्या होगा आप ऐसे रहेगा और इसके अंदर की माप जो लेंगे हम वो होगा इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अंदर की जब माप लेंगे तो इनसाइड और जब बाहर की माप लेंगे तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर यानी कि गहराई माइक्रोमीटर, जो केवल गहराई मापता है यानी कि गहराई मापता हो। जैसे आपको ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई चीज़ हो गई, अब ये तो बाहरी हो गई, ये अंदरूनी हो गई। अब आपकी जैसे ये जांचना है लंबाई, इसके लिए हम क्या करेंगे? डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, कोई हो गया सब, कोई भी चीज़ हो गई, आपको अगर गहराई जानी है तो हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे इसमें। अब देखिए, बाह्य माइक्रोमीटर आउटसाइड, इस प्रकार का बाहरी प्रयोग भागों को मापने तथा चेक करने के लिए किया जाता है। इससे 0.01 mm या 0.01 inch तक की परिशुद्धता में माप लिया जा सकता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं जो कि हमने आपको अभी ऊपर शुरू में ही बताया था। ठीक है, जिन्हें चित्र दो में दर्शाया गया है यानी कि जो आपको ऊपर बताया था हमने अभी। फ्रेम वन, फ्रेम मतलब कि पहला नंबर फ्रेम है, दूसरा एनविल, तीसरा स्पिंडल, चौथा स्लीव और बैरल, पांचवा थिम्बल लॉक नट, छठवा लॉक नट या फिर रैचेट स्टॉप, सातवा। ठीक है, ये सात चीज़ें हैं आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये सब चीज़ें आपकी सभी माइक्रोमीटर में होती हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले फ्रेम की। पहला नंबर फ्रेम, यह कास्ट आयरन एल्युमिनियम एलॉय या कास्ट स्टील का बना होता है। इस पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है और इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जंगोंग नहीं लगता है इस पर, ठीक है। यह अर्ध गोला या चौकोर होता है, यह अर्ध गोलाकार यानी कि आधे गोले यानी ऐसे या तो फिर चौकोर होता है, ठीक है। इस के दाएं सिरे पर बैरल तथा बाएं सिरे पर एनविल होता है। इसका जो फ्रेम होता है, जैसे कि ये फ्रेम है, उसके बाएं सिरे पर दाएं सिरे पर बैरल और बाएं सिरे पर एनविल होता है, यानी कि इधर आपका एनविल होगा इस साइड और इस साइड आपका बैरल होता है, ठीक है। इस साइड आपका बैरल होगा, इस साइड आपका एनविल होगा, अभी हम उनके आपको ऊपर बताया है। चलिए, फ्रेम पर माइक्रोमीटर साइज अंकित होता है, फ्रेम पर जो होता है वो माइक्रोमीटर का साइज अंकित होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर का साइज 0 से 25 होता है, आपको बता दें जो साइज होता है उसका 0 से 25 यानी 25 के अंतराल में होता है और 25 से 50 ये आपका माइक्रोमीटर का साइज होता है। जो भी मिलेगा आपको 25 के अंतराल में मिलेगा, जिस भी साइज का होगा 0 से 25 या 25 से 50, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको, बताते हैं एनविल या क्रोमियम स्टील हार्ड, यह क्रोमियम स्टील हार्ड ग्राइंड किया हुआ गोल भाग होता है जो फ्रेम के बाएं सिरे पर, यानी कि अभी आपको जो हमने बताया फ्रेम के बाएं सिरे पर, फ्रेम के किस सिरे पर? बाएं सिरे पर, इसी वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर होता है। यहाँ भी एनविल होता है छोटा सा और एक लंबी रॉड होती है, वो भी एनविल होती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कार्बाइड टिप वाला एनविल भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं स्पिंडल की, यह भी हार्ड एवं ग्राइंड किया हुआ क्रोमियम स्टील का एक गोल पीस होता है। इसके आगे वाले भाग का व्यास एनविल व्यास के बराबर होता है, इस मतलब कि जो आपका स्पिंडल होता है वो एनविल के आगे वाले भाग के बराबर होता है, आगे वाले भाग के बराबर होता है, ठीक है, साइज होगा। अब कुछ स्पिंडल के अग्र भाग पर कार्बाइड टिप लगी होती है, मतलब कुछ स्पिंडल का जो आगे का भाग होता है उस पर कार्बाइड टिप लगी होती है, काली काली जो दिखती है, ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर दिखाया भी, तथा पिछले भाग पर 40 चूड़ियां प्रति इंच या 0.5 mm की चूड़ी कटी होती है, या फिर 0.5 इंच की चूड़ी कटी होती है, ठीक है। चूड़ी वाले भाग पर थिम्बल व पिछले सिरे पर रेचेस्ट स्टॉप लगा होता है, थिम्बल वाला जो भाग होगा उस पर, चूड़ी वाला जो भाग होगा उस पर थिम्बल लगा होगा या तो रेचेट स्टॉप लगा होगा, ठीक है, ये दो चीजें लगी होगी। अब बात करते हैं स्लीव की, ठीक है, ये थोड़ा चीजें आप बची हम आपको बता देते हैं, फिर बाकी कल आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, जी हुई चीजें आपको कल बता देंगे हम आपको, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कहेंगे तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। यह क्रोमियम स्टील की होती है, इसमें बैरल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बैरल भी कहते हैं, कहते हैं यह फ्रेम के दाई ओर लगी होती है, जो फ्रेम होगा उसके दाई ओर, उसके अंदर 40 चूड़ियां प्रति इंच या 0.5 इंच में कटी होती है। इन चूड़ियों में से होता हुआ स्पिंडल आगे पीछे चलता है, आगे पीछे चलता है, जो स्लीव होगा वो स्लीव की वजह से ही स्पिंडल आगे पीछे होगा। जैसे ये हो गया आपका एनविल, ये हो गया स्पिंडल, और जब आप इसको स्लीव को घुमाएंगे इस स्लीव को, तो ये आगे पीछे होगी, ठीक है, ये आगे पीछे होगा, कम बेसी यानी कि आगे पीछे होगा। स्लीव के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित होती है, स्लीव के ऊपर क्या होती है, एक लंबी रेखा अंकित होती है जिसे हम आधार रेखा यानी इंडेक्स कहते हैं। इस रेखा पर इंग्लिश पद्धति की 1 इंच लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा होता है, इसलिए एक भाग 1/10 इंच एवं प्रत्येक 10वें भाग को 4 छोटे बराबर भागों में बांटा होता है। इस प्रकार स्लीव का प्रत्येक भाग 1/10 इंच और 1/4 इंच या 1/40 इंच या 0.025 इंच तक के बराबर होता है, तथा मीट्रिक पद्धति में 25 mm लंबाई के 1 mm और 0.5 mm में बांटा होता है, इसलिए एक भाग 25 से 50 यानी 1/2 mm होता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम आपको थिम्बल से
कल बताएंगे, ठीक है, थिम्बल से आपको कल बताएंगे, और इसके कोई एक, ठीक है, चलिए मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें।